अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपके साथ YouTube की एक ऐसी अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख के हासिल की होगी, लेकिन जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शायद पहले किसी भी यूट्यूबर ने ये एक्सप्लेन नहीं की होगी। तो दोस्तों YouTube की इस अपडेट का नाम है MLU, मल्टी लैंग्वेज अपडेट। दोस्तों इस अपडेट का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है या बाकी यूट्यूबर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखें दोस्तों, आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो आप अपनी जबान में अपलोड करते हैं। समझो आपकी हिंदी जबान है, सराइकी है, इंग्लिश है, जो भी आपकी जबान है आप उसमें अपलोड करते हैं। तो वही जो आदमी जिसको आपकी लैंग्वेज की समझ आती है, बस वही लोग देख सकते हैं। तो YouTube ये जो अपडेट लेके आया है, मल्टी लैंग्वेज अपडेट, इसका फायदा आपको कैसे होगा, इसको मैं आपको एक मिसाल के थ्रू समझाऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ। YouTube ने एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको इधर YouTube में लेके चलता हूँ। एक चैनल है मिस्टर बीस्ट, इधर है। अब इसकी कोई भी वीडियो ओपन करें, मैं ये 2 नंबर वाली कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों देखें, आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आएंगे तो आप देखें, इधर एक ऑप्शन है कैप्शंस, ठीक है। इसकी जो कैप्शंस वाली ऑप्शन है ना, ये एक्टिव है, हमारी एक्टिव नहीं होगी। आप अपने चैनल में देखेंगे एक्टिव नहीं होगी। तो दोस्तों जब ये कैप्शन का ऑप्शन एनेबल हो जाता है, तो इधर आप देखेंगे आपको नजर आ रहा है एक ऑप्शन ऑडियो ट्रैक। इसमें हम जाते हैं, अभी आपको मैं सुनाऊंगा इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है। In Antarctica, you need long pants, a long sleeve shirt, a second pair of pants. इसमें अभी हम आपको दूसरी लैंग्वेज सुनाते हैं। देखे ये अभी और लैंग्वेज होगी। Un troisième pantalon, une veste, un blouson par-dessus la veste, un passe-montagne, ce truc-là par-dessus, des gants pour les gants, gloves और goggles ताकि आंखें जम ना जाएं, और इतना कुछ पहनने के बावजूद अब भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। दूसरा अभी देखें दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने हिंदी में भी सुनी है, इंग्लिश में भी सुनी है, फ्रांसी जबान में भी, किसी भी जबान में आप इसको देख सकते हैं। तो इसका दोस्तों फायदा क्या होगा, देखें। हम हिंदी में समझो, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में, तो जब मुझे ये कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल करूँगा, उसमें मैं कोई भी जबान डब करूँगा, समझो इंग्लिश करता हूँ। तो इसमें जब डब करूँगा तो फिर क्या उसको मुझे फ़ायदा होगा कि जो वो गोरे लोग हैं वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ कंट्रीज में मेरी वीडियो देखी जाएगी। अभी तो समझे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन मुल्कों में ज़्यादा देखी जाती होगी ना, लेकिन जब ये वीडियो में ये जबान जो है लैंग्वेज डब हो जाएगी, तो फिर ये कोई भी आदमी देख सकता है, उसको समझ में आएगी। तो समझ में जब आएगी दोस्तों, तो फिर व्यूअरशिप बढ़ेगी, जो मतलब वीडियो देखने वाले आदमी बढ़ेंगे, जिससे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, तो इस तरह आदमी की इनकम भी बढ़ेगी। तो देखो दोस्तों, ये YouTube की बहुत बड़ी अपडेट है, और मैंने आपको ये बताया भी है कि किस तरह आपको एक्टिव करना पड़ेगा और कौन सा ऑप्शन आपका इनेबल है नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की अपडेट आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उससे ये होगा ना, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।